हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं तुम? सब अच्छे हो? अभी मैं जा रही हूँ आलू की चिप्स बनाने के लिए। 1 किलो आलू की चिप्स अभी मैंने रात तोड़े थे, और अभी जो आलू बच गए थे 4-5 किलो, वो मैं अभी तोड़ने के लिए जा रही हूँ। रात के टाइम मैं क्या करती हूँ, रात के टाइम इसलिए तोड़ती हूँ क्योंकि रात में जो है ना पगे के नीचे डाल देती हूँ, तो मेरे जो है अच्छे से सूख जाते हैं। और जब मैंने रात चिप्स तोड़े थे ना, तो ये देखिए एकदम से मतलब कि पंखे के ही नीचे सूख गए। इनमें जो है ना मैंने बिल्कुल भी धूप नहीं लगाई, 1 मिनट का भी, 1 घंटे का भी धूप लगाते हैं ना, तो मैंने इसमें तो बिल्कुल भी धूप नहीं लगाया। ये जो है ना खुले से ही पंखे के ही नीचे सूख है। और 1 किलो आलू से देखिए मैंने इतना सारा चिप्स बना है। तो अभी मैं जाती हूँ, मैंने और आलू वाला है। अभी मैं यहाँ पे जो है सभी आलू को छोल छोल के जो है रख दूँगी। कम से कम ये 1.5 किलो आलू, ज़्यादा आलू नहीं है, मैंने अभी 1.5 किलो ही आलू लिए हैं। तो पूरा आलू को छोल छोल के जो है मैं एक गमले में पानी लेके बैठ रही थी, वही गमले में आलू को डाल दूँगी। इससे क्या होता है ना, काला नहीं पड़ेगा आलू मेरा। तो जाती पहले सबसे पहले जो है ना, मैं आलू के मतलब कि खाना वीना बना के मैंने रख ही दिया था। खाना वीना बना के रखने के बाद उसके बाद ही मैं आलू का काम लेके बैठी थी, क्योंकि आलू का चिप्स बनाने में जितना आसान लगता नहीं, इतना आसान होता नहीं, बहुत मुश्किल काम है ये। बहुत मुश्किल से आलू बनता है, क्योंकि पहले इन्हें छोड़ना पड़ता है, फिर इन्हें चिप्स बनाना पड़ता है, फिर इन्हें क्या कहते हैं गर्म पानी में उबालना पड़ता है। गर्म पानी के लिए तो इतने संभाल के करना पड़ता है ना, कि एक भी चिप्स गर्म पानी में टूटना नहीं चाहिए। अगर हमारे चिप्स टूट जाते हैं ना गर्म पानी में चलाते चलाते से, तो वह अच्छा नहीं लगता। कैसे मतलब कि आधा आधा चिप्स हो जाता छोटा छोटा, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बड़ा ध्यान से जो है ना गर्म पानी में एक क्योंकि चिप्स देख के बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। और उसमें थोड़ा सा आप सेंधा नमक डालते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि अगर सादा नमक डाल देंगे ना, तो वही नवरात्रि में नहीं खा सकते। सेंधा नमक डाल के क्या होता है ना, नवरात्रि में खाए फिर अब जैसे मर्जी ऐसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं सेंधा ही नमक डालूँगी मैं बनाने के लिए जो है ना मैं सेंधा ही नमक डालूँगी। अभी मेरे पास जो है ना कोई बड़ा सा बर्तन नहीं था, इसीलिए मैं 5 लीटर का कुकरे में उसी कुकर में बनाऊँगी, क्योंकि खाना बिना हमारा सब हो ही गया था। तो मैंने सोचा कि खाना बिना हो गया तो जाने दो, इंडक्शन चूल्हे में बना देती हूँ मैं। और ये स्लेब जो है ना बहुत छोटा पड़ता है मुझे बनाने के लिए, बहुत कोई भी सामान बनाती हूँ ना तो मुझे बहुत दिक्कत होता है बनाने के लिए। डर लगा रहता है कि कहीं कोई सामान गिर ना जाए, कहीं मतलब कि तेल उल का वहाँ पे इंडक्शन चूल्हा भी रखा, गैस चूल्हा भी रखा, तो सभी रखा, डर लगा रहता है कि कहीं कुछ होना जाए दुर्घटना। तो मैं संभाल के करती हूँ, तो ऐसे भगवान कुछ होता नहीं है, तो अच्छे से मैं बना लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना सभी आलूओं को धो धो के जो है ना मेरे कुकर में डाल ली थी। कुकर में डालने के बाद जो है ना अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। नमक डाल के जो है ना मैं यहाँ पर दुपट्टा डब बिछाने के लिए आ गई थी। तो दुपट्टा डब बिछाने की जो है ना 2 रुपट्टे पे बिछाना पड़ेगा। मुझे लगा 1 ही रुपट्टा हो जाएगा, लेकिन 1 रुपट्टा नहीं हुआ, तो 2 रुपट्टा भी मुझे बिछाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 आलू की तब एक आलू बड़े ध्यान से रखती हूँ मैं, जिससे कि कोई अगर 1 आलू चिपका के रखते ना तो वो सूखता नहीं है जल्दी से। तो हम इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, लव यू।